कोई मामूली बात नहीं है, जब सारे लोग जब सपोर्ट किए हैं तभी ये काम गुलाब कर पाए हैं। इसलिए तारीफ है, मैं सारी बेंगलुरु की आवाम को सैल्यूट करता हूँ। हनी वेलफेयर फाउंडेशन, रोटी चैरिटी ट्रस्ट, तकरीबन 5 साल पहले हम लोगों ने इस काम को शुरुआत किया हुआ था। अल्लाह चाहेगा तो और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मजबूर लाचार जो बाहर से आए हुए पेशेंट्स इलाज के लिए, उन लोगों का पेट भरना एक बहुत बड़ा खिदमत है। बड़ी कुर्बानी देकर, बड़ी खिदमत के साथ ये आज 5 साल अपने काम को मुकम्मल किया है। जो इन्होंने मदद की है काबिले तारीफ। ना ही उन्होंने भूखों को खाना खिलाई, दे हैव इवन ओपन्ड अ स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड दे रन अ फ्री क्लिनिक। हम सब उसके लिए भगवान के सामने हम दुआ मांगते। वर्ष सततवागी सेवे मरता इदरे, यानी कि बीच में एक दो दिन भी इंटरवल लिए बिना 5 साल लगातार ये जो फ्री फूड साल कंप्लीट हो गया। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं बेंगलोर की सारी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ बेंगलोर की, क्योंकि रोटी चैरिटी ट्रस्ट को सारी बेंगलोर के लोगों की दुआएं हैं, उन लोगों की सपोर्ट है जो आज यहाँ पर गुलाब ने अपने प्रोग्राम के 5 साल कंप्लीट किए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, जब सारे लोग जब सपोर्ट किए हैं तभी ये काम गुलाब कर पाए हैं। तो मैं बेंगलोर के जितने भी लोग हैं, गुलाब के जितने भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो उनके वॉलंटियर्स हैं, मेरी तरफ से अजहर मखसूसी हैदराबाद के सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से उन सबको मुबारकबाद है और काबिले मुबारकबाद है। बेंगलोर के लोग जो ऐसे काम को एक साधारण से आदमी को जो वो अपनी दुआओं में अपनी सपोर्ट से आगे बढ़ा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। मैं सारी बेंगलोर की आवाम को सैल्यूट करता हूँ। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए, हमारे हक में दुआ कीजिए कि हम ये काम करते रहे। अस्सलाम वालेकुम हिंदुस्तान। रोटी चैरिटेबल ट्रस्ट को हमारे सबसे तरफ से मुबारकबाद। और आप बताइए, रोटी चैरिटेबल ट्रस्ट का 5 साल मुकम्मल कैसा हुआ? सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज तक जो हमारे रोटी चैरिटी ट्रस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो वेलविशर डोनर्स और जो हमारे भाई अजहर मखसूसी जो हैदराबाद से आए हुए हैं। सानी वेलफेयर फाउंडेशन, रोटी चैरिटी ट्रस्ट, तकरीबन 5 साल पहले हम लोगों ने इस काम को शुरुआत किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 6 लाख आदमियों को हम लोगों ने खाना प्रोवाइड किया हुआ है। बड़ी बात नहीं करूंगा मैं, हम लोग बोल के नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये काम अल्लाह ताला ने हम लोगों से करवाया है, हम लोगों से काम करवाया है। अभी तक 6 लाख आदमियों को हम लोगों ने खाना प्रोवाइड किया हुआ है। अल्लाह चाहेगा तो इस काम को और हम आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का साथ रहेगा, जितने भी हमारे डोनर्स वेल विशर्स हैं, आप लोगों का साथ रहेगा, इस काम को और हम आगे बढ़ाएंगे। सर, इसके साथ साथ आपने क्लिनिक भी खोली है, फ्री क्लिनिक के साथ क्या क्या कम्युनिटी सेंटर में और क्या क्या फैसिलिटी है? तकरीबन 8 महीने पहले हमने एक कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक बोल के खोला हुआ था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सारे हिंदुस्तान के अंदर, सारे दुनिया के अंदर एक पैंडेमिक वायरस फैला हुआ है। उस टाइम पे जितने भी यहाँ पे ओपीडी हॉस्पिटल, ओपीडी जो सेंटर्स थे, सारे उसको कोविड में तब्दील कर दिए थे। जैसे कि जो भी जो सर्दी जुकाम बुखार, जो भी जो छोटे मोटे इलाज के लिए जो जा नहीं सकते थे जो हॉस्पिटलों में, तो उस दौरान हम लोगों ने यहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक बोल के खोला, एक जो बेसिक मेडिसिन, बेसिक दवाएँ मुख्तसर 20 रुपये में, जो चाह तो दे सकते हैं, नहीं तो वो भी नहीं। 20 रुपये में हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पे भी तकरीबन 2000 आदमियों ने यहाँ से फ़ायदा हासिल किया हुआ है। हम लोगों ने बीच में एक कम्युनिटी लर्निंग सेंटर बोल के खोला है, कंप्यूटर सेंटर, इसमें भी तकरीबन 200 बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेस मुकम्मल की हुई हैं। और देखेंगे, अल्लाह ताला चाहेगा तो और इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। श्लाघनीय है, अनुकरणीय है। देखिए, ये स्वार्थ लोगों के काटों के बीच में ये गुलाब इधर विकसित हो गया है। ये गुलाब नाम जो रखा है उसको, ये फूलों को, ये दिल फूलों की तरह जो काम करता है उसको हमको आदर्श माना जाता है। ये ऐसा करने का आदमियों को हम सहारा ना देना चाहिए और उसको संपूर्ण रूप से मदद करना चाहिए। भगवान की कृपा उसके ऊपर हमेशा रहे।
हम सब उसके लिए भगवान के सामने हम रोटी चैरिटीज ट्रस्ट मुखातर नम गुलाब 5 वर्ष सततवा सेवे माता सेवेतवर सूर्य भगवान ज्ञापस्कु सूर्य भगवान सन दि सन गॉड अष्ट विनय नडकोल्लबेकादु नम गुलाब ಮುಂತಾದವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಗುಲಾಬ್ ನಂತೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬರೀ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಈ ಥರೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ಮೈ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್ ದೇತಾ ಹೂ ರೋಟಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ, ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜನಾಬ್ ಗುಲಾಬ್ ಸಾಬ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ जो भी ये काम में साथ दे रहे हैं गुलाब साहब को, अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 मुकम्मल जो हुए हैं उनके इदारे के, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम है, जो गरीबों को खाना खिलाना, बेवाओं को, यतीमों को, मजबूर लाचार जो बाहर से आए हुए पेशेंट्स इलाज के लिए, उन लोगों का पेट भरना एक बहुत बड़ा खिदमत है. बहुत खुश अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने एक दिन भी नागा किए हुए 5 की जो खिदमत किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको हम सब मुबारकबाद देते हैं. ऐसे जो जज्बे के लोग हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से चुने जाते हैं. बहुत खुश तो ये बंदे जो है ये पैदा ही होते हैं खिदमत के लिए. हम दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला बार बार ऐसे बंदों को चुने और ऐसे लोगों को पैदा किए कि कौम की खिदमत करें, गरीबों की, मुफलिसों की, मजबूरों की, बेसहारों की, बीमारों की, ऐसे इदारे खोलें, ऐसे इन्हें खिदमत करें. इस सरजमी पे खुशी का माहौल ईद जैसे समा इसलिए देखने को मिल रहा है कि रोटी चैरिटी, जहां रोटी चैरिटी की ऑफिस है, कैंटीन है और यहीं से पूरे शहर में खिदमात का सिलसिला जारी होता है, 5 जश्न मना रहे हैं तुझको एहतशाम के साथ, जोशो खरोश के साथ. ये इसलिए के गुलाब साहब जो फाउंडर हैं रोटी चैरिटी के और नदीम साहब जो उनके अहम रफ़ीकों में से हैं, इन लोगों ने बड़ी कुर्बानी देकर बड़ी खिदमात के साथ ये आज 5 अपने काम को मुकम्मल किया है. इन्होंने हर हाल में भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, गरीब बच्चे या वो बच्चे जो ड्राफ्ट आउट हो जाते हैं उन बच्चों के स्कॉलरशिप के शक्ल में, फीस के शक्ल में जो इन्होंने मदद की है काबिले तारीफ है. आप दुआ के मोहताज हो ना हो, दुआ की तलब करे ना करे, जब कोई भूखा खाना खाता है तो उन लोगों की अंतरियां आपके. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. एक सोशल वर्कर होने के नाते मुझे मालूम कि कितना मुश्किल है कौम के लिए काम करना. सुभान अल्लाह. इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन फायर लिटरली. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रोटी चैरिटी ट्रस्ट के गुलाब साहब और उनके पीआरओ नदीम साहब 5 मुकम्मल करके हैं, ना ही उन्हों भूखों को खाना खिलाएं, दे हैव इवन ओपन्ड अ स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड दे रन अ फ्री क्लिनिक. दिस माइट बी शॉकिंग, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जिनके पास पैसे नहीं रहते, दे डोंट गो टू अ डॉक्टर. घर के नुस्खे उन लोग करके घर में ही इलाज करने की कोशिश करती, दे डोंट हैव मेडिकल अवेयरनेस जो बहुत ज़रूरी है. तो आई रिक्वेस्ट एक्चुअली
ऑल आर पीपल, जो लोग मालदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको अल्लाह नवाज के है, ऐसे अगर छोटे छोटे काम भी हम लोग अगर करना शुरू करें, सब मिल के अगर काम करें, तो बड़ा काम हो सकता है. आई बिलीव इंस्टेड ऑफ स्पॉन्सरिंग वन स्टूडेंट, यू नो, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए या कहीं पे कॉलेज पढ़ने के लिए, आई बिलीव इन ओपनिंग कॉलेजेस. I don't believe in giving books to students who study. I believe in opening schools for students to come and study for free. तो ऐसे कुछ काम करेंगे जो हमारे आने वाली नस्ल और उनके नस्लों को सबको काम आए. Because everybody is doing everything. पूरे communities में काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, but our community is lacking behind. So it is time that we step forward and you know, at least match step to step, because it's high time now. रोटी चैरिटेबल ट्रस्ट के इस मौके पर हम क्या कहना चाहते हैं? ये जो 5 साल आज रोटी चैरिटी ट्रस्ट जो है गुलाब की प्रेसिडेंटशिप में, ये 5 साल पूरे करने में हमें दोस्त हैं और यार हैं जितने भी हैं, उनकी तरफ से गुलाब सबको मुबारकबादी देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात. 5th एनिवर्सरी जो रोटी चैरिटेबल ट्रस्ट की बनना अभी अभी मनाई जा रही है. सबसे पहले एक इसे एक माइलस्टोन, जैसा हम इंग्लिश अंग्रेजी में माइलस्टोन बोलते हैं, ये पहला माइलस्टोन है. 5 साल लगातार कोविड रहने के बावजूद, लगातार का मतलब ये नहीं कि बीच में एक दो दिन भी इंटरवल लिए बिना, 5 साल लगातार ये जो फ्री फूड सप्लाई हॉस्पिटल्स के पास जो ये खाने की सप्लाई ये कर रहे थे, ये माइलस्टोन इसे बोलना बोले तो, इसे हमें सच में बोलना बोले तो इसे एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शायद हम चाहे तो ले आपको उसे रिकॉर्ड करवा सकते हैं. क्या वास्ते बोले तो, चारे यहाँ पर ट्रस्ट के नुमाइंदे जो हैं उसमें कोई भी बीमार भी होता तो बीमारी रहने के बावजूद भी अगर एक आदमी नहीं है तो दूसरा तो उसे साथ में ले जाको, एक दिन भी बिना चुके खाना कभी तक अभी ये लोग यू नो कोई भी लीव में गए रहा तो भी खाना कभी रुकया नहीं. तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इंशाल्लाह ये 5 साल जो हो को है, इसके बाद हमने एक एप्लीकेशन भेजना बोल को साथ में मैं खुशखबरी की बोला तो मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात क्या बोला तो ये ट्रस्ट से मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ. मुझे एक अंदर से खुद को खुशी होती है, साथ में शान से मैं दूसरी जगह में जब भी मैं हमारे लोगों से कभी भी बात करता हूं तो ये अपने ट्रस्ट के बारे में बड़ी शान से बोल सकता हूं कि भाई देखो ये काम हो रहा है, इतना एक बहुत बड़ा काम जारी में है. अब तो एक नया सिलसिला यहां से शुरू हो रहा. दूसरा क्या है बोल तो, स्किल्ड बच्चों को जो स्किल्स सिखाने हैं, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स की ज़रूरत है, तो वो ट्रेनिंग सेंटर्स भी ओपन हो रही, साथ में एक क्लिनिक भी फ्री पब्लिक हेल्थ सेंटर, ये भी ये तीन भी ये माइलस्टोन्स बड़े बड़े ऐसे जिसे हमें करना में से माइल गल्लू बोलते हैं या रास्ते के ऊपर जो माइलस्टोन रखा है, तो वो माइलस्टोन्स एक के बाद एक ये बढ़ते जा रहे हैं. तो ये खुशी की बात है. अल्लाह गुलाब के ये जो रोटी चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट को नज़र बद से बचाए और अल्लाह की तरफ से ज़्यादा ये ट्रस्ट के लोगों को और ज़्यादा अल्लाह ताकत देवे ताकि और ज़्यादा ऐसे अच्छे काम करें.